ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। अपने और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए तो सभी परिश्रम भी करते हैं और हर संभव प्रयास भी, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा करना हर किसी की सोच से परे की बात है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जीना तो उसे कहते हैं जो दूसरे के लिए जिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 30 वर्षीय महाराज रवि दत्त की, जो 48 डिग्री की प्रचंड और झुलसा देने वाली गर्मी में भी रेवाड़ी में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर विश्व शांति के उद्देश्य से कठोर और मौन साधना कर रहे हैं। इस संदर्भ में स्थानीय ग्रामीणों की माने तो इस वक्त पूरे उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी हरियाणा में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हैं। लेकिन विश्व कल्याण के उद्देश्य से महाराज रवि दत्त 11 दिनों की घोर तपस्या कर रहे हैं ताकि सभी सुखी संपन्न व स्वस्थ रहें। इसका सीधा सा समाज को एक संदेश है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण की भावना से काम करना चाहिए। नाम आपका? हेमकरण। हेमकरण जी, ये जो महाराज जी बैठे हैं रवि दत्त जी, तपस्या कर रहे हैं जलती अग्नि के बीच में 48 टेम्परेचर, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है? विश्व शांति के लिए, सबको सुख शांति मिले, इसलिए तपस्या कर रहा है। 11-7 दोनों की तपस्या है। 2 साल पहले भी तपस्या कर चुके हैं यहीं पर। ये वैसे यहाँ बालाजी का धाम बना रहे हैं, मंदिर है, निर्माण मंदिर। तो कितने दिन के लिए? 11 दिन के लिए बैठे, मौन भी रखा, मौन रखा हुआ 11 दिन के लिए। 11 दिन बाद ये अपना मौन तोड़े, मौन तोड़े, मौन। क्या संदेश देना चाहेंगे इनके माध्यम से? सबको सुख शांति मिले, अपने लिए कुछ नहीं, सब पब्लिक के लिए शांति मिले, सुख भी सबको शांति मिले, इस पर पत्ते कर रहा है। दूसरी बार? हाँ जी, दूसरी बार कर रहा है। क्या कहेंगे कि जो तापमान चल रहा है इस समय? इस समय तापमान 47-47 चल रहा है, पशु पक्षी भी अंदर घुस रहे, बाहर नहीं निकल रहे, रोड भी सुन चल रहे 12 बजे से, और ये 11 से 2 बजे तक बैठ रहा है। विश्व शांति के लिए बैठ रहा है, हर एक इंसान को शांति मिले, सबको सुख शांति मिले, इस पर्पज से बैठ रहे। हर आदमी को इनका अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम रामचंद्र है, मैं हलुआड़ा गाँव से हूँ। रामचंद्र जी, ये जो तपस्या कर रहे हैं महाराज यहाँ पर 11 दिन की मौन तपस्या, वो भी इतनी भीषण गर्मी के अंदर आग जलाकर, क्या कहेंगे? ये एक संदेश जाता है समाज को, यहाँ इस टाइम के ऊपर पशु पक्षी भी नजर नहीं आते, परिंदा भी मतलब जो है ना अपने घोंसलों में जाकर के छिप गए हैं, और रोड के ऊपर से आदमी जाना आना सब बंद हो गया, खेतों में न कोई काम कर रहा है, उसके बावजूद भी 48 का टेम्परेचर चल रहा है रेवाड़ी के आसपास में, और उसमें ये बाबा 5 तपों के धोने में तपस्या कर रहा है। ये एक संदेश देना चाह रहे हैं आम समाज को, इतने गौर कठिन परिश्रम में करके, और हम समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इतना वो हमको वो नहीं होना चाहिए, निर्भर हमको भी समाज के लिए ऐसा ही कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, अपने लिए नहीं समाज के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए, समाज के लिए, हमें सब हमें भी सोचना चाहिए, विश्व कल्याण के उद्देश्य से कर रहे हैं। मेरा नाम है ध्यान सिंह। ध्यान सिंह जी, जो रवि दत्त जी बैठे हैं यहाँ पर अग्नि तपस्या कर रहे हैं 9 दिन की, क्या है पूरा उद्देश्य? उद्देश्य ये है जी, इस कड़ी धूप में टेम्परेचर 48-50 के लगभग जा रहा है, और इसमें ये हमारे बाबा, उम्र भी इसकी 30 वर्ष है लगभग, और ये तप रहे हैं। ये तपस्या से ये सिद्ध होता है कि समाज में एक उदाहरण है, अभी हम तपस्या में भी धूप में भी कार्य कर सकते हैं, और हमें जैसे मौसम गर्म हो, सर्दी में ठंडा हो, उसमें भी हमें अपने शरीर को तप बल से एक यशस्वी बनाना चाहिए। कितने दिन की यहाँ पर तपस्या? ये लगभग 11 दिन की तपस्या में बैठे हैं और मौन धारण किए हुए हैं, और इसकी प्रक्रिया लगभग आज 5वें दिन की है, 6 दिन ये और तपेंगे। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।